सामने पहचान का संकट करने का दोषी कौन है? देश के सामने सुरक्षा का संकट पैदा करने वाले कौन दोषी है? देश को विकास से वंचित करने के दोषी कौन? देश में भूखमरी से हुई मौतों का दोषी कौन? देश में अन्नदाता किसानों की मौत का जिम्मेदार कौन? जो आत्महत्या कांग्रेस की सरकार में अन्नदाता किसान करता था, इसका दोषी कौन है? सपा बसपा कांग्रेस की सरकार में तुष्टीकरण की नीति, घातक नीति के कारण हुए दंगे, निर्दोष लोगों की मौतें और व्यापारियों को हुए नुकसान के दोषी कौन? भ्रष्टाचार की भीषण समस्या के कारण भारत का विकास जो बाधित हुआ, इसका दोषी कौन? पलायन और बेरोजगारी की समस्या के कारण 2014 के पहले जिन नौजवानों ने पलायन किया था, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ था, इसका दोषी कौन है? बिजली और पानी से जनता जनार्दन को वंचित करने वाले कौन वे लोग हैं? क्या कांग्रेस इसका जवाब दे पाएगी? उसका दोषी कौन है? और अंत में बहनों और भाइयों, जो दसवां प्रश्न है वह ये कि इतने दशकों तक शासन करने के बाद भी कांग्रेस सपा बसपा आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती रही, इसका दोषी कौन है? बहनों और भाइयों, ये वही कांग्रेस है, ये वही सपा है, ये वही बसपा है। जब सत्ता में आए थे तब कहते थे, कांग्रेस के लोग कहते थे राम हुए ही नहीं, समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मर सकता। आखिर आज सत्ता से वंचित हुए, अब कैसे कांप रहे हैं लोग? जैसे बिन पानी मछली तड़पती है, क्योंकि अगर सत्ता के लोग रह नहीं सकते। आप सोचिए समाजवादी पार्टी के हाल को देखिए। कल्याण सिंह जी का पूरा जीवन उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, श्री राम जन्मभूमि के लिए समर्पित था। और सुनिए, कल्याण सिंह जी की जब मृत्यु हुई, समाजवादी पार्टी ने अपने संवेदना के एक भी शब्द नहीं व्यक्त किए। कल्याण सिंह जी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यपाल, और उनकी दुखद मृत्यु पर समाजवादी पार्टी के पास संवेदना के एक भी शब्द नहीं। प्रेम सिंह जी की मृत्यु हुई, मैं स्वयं गया था, मैं सेफई गया था, लखनऊ भी गया था, सेफई भी गया था, श्रद्धांजलि देने के लिए गया था। लेकिन बहनों और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी के ही लोग एक माफिया की मौत पर कैसे घड़ियाली आंसू बहाते हैं, आपने अभी देखा होगा। एक माफिया के मरने पर हत्या करने के लिए गए थे संवेदना न व्यक्त कर सकते हो और माफिया के बनने पर खतिया पढ़ते हो, क्या उनको सत्ता में आने का अधिकार है? क्या उनको सत्ता में आने का अधिकार है? क्या ये लोग जाति का सहारा लेंगे लेकिन परिवार तक सीमित हो जाएंगे? आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी ने एक ही परिवार के सब लोगों को निकल, अपने ही परिवार के सब, परिवार के बाहर कोई नहीं, परिवार के बाहर छोटी नहीं है, जाति का सहारा लेंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, घूम फिर करके परिवार में आएंगे, और ये तो महाभारत की धरती है, महाभारत के रिश्ते देखने को उसके सबसे अच्छे नमूने समाजवादी पार्टी के लोग हैं, वहां सभी पात्र महाभारत के मिल जाएंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, कांग्रेस और सपा बसपा का जो हिडन एजेंडा है उनके घोषणा पत्र से उजागर होता है, वे फिर से प्रदेश को, देश को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं, भारत का विभाजन की आधारशिला रखना चाहते हैं। मेहनत के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने सुरक्षा का, निवेश का, रोजगार का जो
बेहतर माहौल बनाया है। इसमें बैरियर बनकर के लोग आए हैं। हमें देश के विकास में किसी को बैरियर नहीं बनने देना चाहिए। अगर कांग्रेस सपा बसपा जाती कांग्रेस साथी देश की आजादी के तत्काल बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया होता। कांग्रेस ने तो कहा राम हुए ही नहीं, यानी हमारे आराध्य देव को अपने स्वयं की जन्मभूमि के लिए प्रमाण जुटाने पड़े। लेकिन सत्य को कोई झुठला नहीं सकता है। रास्ता वही हुआ, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है ना, क्या ये कांग्रेस सपा बसपा के लोग कर पाते क्या? क्या ये लोग कर पाते क्या? आतंकवाद की समस्या का समाधान ये लोग कर पाते क्या? नक्सलवाद की समस्या का समाधान ये लोग कर पाते क्या? भ्रष्टाचार पर प्रहार कांग्रेस सपा बसपा के लोग कर पाएंगे क्या? सुरक्षा का माहौल ये दे पाएंगे क्या? और माफिया से निपटने का काम ये लोग कर पाएंगे क्या? अरे तो माफिया और बंगालियों को अपने गले का हार बना करके घूमते थे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो माफिया कल तक सत्ता का सरपरस्त बनकर के आम जनता को व्यापारी को बेटी को तबाह करता था, आज गले में तख्ती लटका करके घूमे घूमे फिर रहा कहता साहब जान बस तो एक बार बस केला लगा करके और इन माफिया अपराधियों को ठेला लगाने के लिए मजबूर कर दो। मेहनत कैसे होती है ये करना सिखाओ इनको, नहीं तो ये लोग गरीबों के अपा पर टकैती डालेंगे, कमजोर लोगों को तबाह करेंगे, व्यापारियों से रंगदारी वसूली करेंगे, नौजवानों के हाथों में तमचा लहराने का काम करेंगे। हमें नौजवानों के हाथों में तमचा नहीं, हमें उसके हाथ में टैबलेट देना है, टैबलेट जिससे वह एक स्मार्ट युग के रूप में देश के विकास में और मोदी जी के विजन के अनुरूप विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान कर सके। हमें व्यापारी से रंगदारी वसूली करने वाले लोग नहीं चाहिए, व्यापारी को स्वनिधि देने वाली सरकार चाहिए, स्वनिधि का तोहफा देने वाली सरकार चाहिए। हमें गरीब और कमजोरों की लैंड पर कब्जा करने वाले माफिया नहीं चाहिए, हमें तो उन्हें स्वामित्व योजना में मालिकाना अधिकार देने वाली सरकार चाहिए। और ये काम केवल भाजपा कर सकती है। और इसीलिए मैं आया हूं कि जाति के सौदागर परिवार जाति के नाम पर आएंगे, परिवार का पेट भरेंगे और बाद में जनता की अमानत पर उनकी इज्जत पर भी हाथ डालने का काम करेंगे। इन लोगों को दोबारा सत्ता में आने का कोई अधिकार नहीं। और बहनों भाइयों, कांग्रेस का मैनिफेस्टो, इंडी गठबंधन का, कांग्रेस सपा का जो मैनिफेस्टो है, ये तो एक खतरनाक बात को ध्यान आकर्षित करता है। ये कहते हैं अपने मैनिफेस्टो में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, संविधान बनाते समय उन्होंने कहा धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, आरक्षण का लाभ अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को ही मिलेगा। और मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद आपकी पिछड़ी जाति के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन एक कांग्रेस और सपा गठबंधन क्या कहती है, ये कहती है कि हम लोग ऐसी व्यवस्था करेंगे कि पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के आरक्षण में से कुछ हिस्सा काट करके ये मुस्लिम को देने का कुछ प्रयास करने जा रहे हैं। क्या आप इसको सफल होने देंगे क्या? क्या हिंदुओं के हक में डकैती डालने की छूट देंगे क्या? इन्होंने पहले देश को बांटा, आज ये देश को 1947 में विभाजन करने के बाद आज इनकी दृष्टि आपकी संपत्ति पर आ गई। अब ये कहते हैं हर भारतीय की संपत्ति का सर्वे करवाएंगे, सर्वे करा करके फिर ये कहेंगे इस पे एक वरासत टैक्स लगेगा। और वरासत टैक्स के आधार पर क्या कहेंगे कि आपके बाप दादों की जो संपत्ति होगी, घर होगा, खेत होगा, खलिहान होगा, फिर उसमें कहेंगे कि इसमें से आधा
संपत्ति में प्राप्त टैक्स में सरकार ले रही है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गुंडे उस संपत्ति पर कब्जा कर जाएंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे क्या? क्या इसकी मंशा स्वीकार होने देंगे क्या? और इसीलिए बहनों और भाइयों, मैं आप सबके बीच आया हूं आपसे अपील करने के लिए। मोदी जी ने देश को एक विजन दिया है विकास का, सुरक्षा का, समृद्धि का और नए भारत का। आज दुनिया में सम्मान बढ़ा है, सुरक्षा का बेहतर माहौल हुआ है, आज भारत को दुनिया में कहीं भी जाकर सम्मान मिलता है, नौजवान आज एक सही राह पर आगे बढ़ रहा है, भारत को विकसित भारत के सपने को साकार कर रहा है और विकसित भारत के उसी सपने को साकार करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। आवड़ा में धर्मपाल जी ने कई बार प्रयास किया कि मैं यहां आऊं, पिछले विधानसभा चुनाव में मैंने कई बार प्रयास किया था, कार्यक्रम नहीं बन पाया था। आज बहनों और भाइयों मुझे यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ है और इसीलिए मैं आप सबका आह्वान करूंगा। हम लोग किसी के बहकावे में ना आए, जो देश के लिए है हम उसके साथ में, जो देश के साथ में हम उसके साथ में, क्योंकि जीवन हमारा है, सुरक्षा भी आपकी है, देश भी आपका है। तो जब देश आपका, सुरक्षा आपकी, वोट आपका, तो सरकार भी तो आप ही की होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और इसीलिए मैं आया आपसे कहने के लिए, या केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी इसकी सुरक्षा की गारंटी दे सकती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की बात की है और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। लेकिन बहनों और भाइयों, इसके लिए आपको अपने स्तर पर भी कुछ सहयोग करना पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ, क्या देश से बढ़कर के कोई है क्या? देश से बढ़कर के हमारा स्वयं का स्वार्थ हो सकता है क्या? अरे देश का हित होगा तो हमारा भी हित हो जाएगा उसी। और इसीलिए चुनाव के दिन सबसे पहला काम मतदान, पहला काम मतदान, और दूसरा कार्य ये देख करके कि देश हित में, देश के विकास के हित में, देश की सुरक्षा के हित में, भारत की सनातन आंवला संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं से मैं अपील करूंगा, मेरी अपील होगी आप सबको मोदी जी का और योगी जी का प्रतिनिधि बनकर के घर घर जाना होगा। जाएंगे घर घर जाएंगे, लोगों से अपील करेंगे और स्वयं भी धर्मेंद्र कश्यप बनना पड़ेगा, बनेंगे घर घर जाकर के जनता जनार्दन से अपील करनी है,
और एक ही अपील करनी है, और अपील ये करनी है कि धर्मेंद्र कश्यप को रामायण काल के संबंधों को निभाने के लिए आया है। जब प्रभु राम की नैया को पार करने के लिए केवट आया था, उसी केवट के प्रतिनिधि के रूप में वहां के बीच आया है। इस क्षेत्र के विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करेगा। क्या इस संदेश को लेकर के जाएंगे? और इसके लिए कमर फोन पर आपको भारी बहुमत से धर्मेंद्र कश्यप को विजयी बनाने के लिए कार्य करना करेंगे। आप सभी लोग कार्य लोगों से करवाएंगे भारी बहुमत से। तो मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की जय।